नमस्कार इंडिया समाचार में मैं ज्योति पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में शनिवार सुबह दिन निकलते ही एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। भावनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लालपुर में गुलशन पत्नी यामीन और उसके भतीजे गुड्डू उर्फ खुशनूद पुत्र अलीशेर की सुबह करीब 5:30 पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों के शव पास के धर्मवीर प्लांट में पड़े मिला है। डबल मर्डर की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। दोहरे हत्याकांड की खबर से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दोहरे हत्याकांड की सूचना पर एसपी दिहार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों से पूरे मामले की जानकारी ली। तलाशी के दौरान पुलिस ने 32 बोर मैगजीन बरामद की है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण सुराग पुलिस को मिले हैं। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही गाँव में चाची और भतीजे के प्रेम प्रसंग को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि अब तक पुलिस दोहरे हत्याकांड के कारण के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रही है। अधिकारी गणों के द्वारा मौका मुआयना किया गया। वहां जाके दो शव जिनका नाम गुलशन पत्नी यामीन उम्र 38 वर्ष गुड्डू पुत्र अलीशेर उम्र 23 वर्ष इनके रूप में इन दोनों शवों की पहचान हुई। दोनों के ऊपर फायरआर्म इंजरी थी। पीएम के लिए तत्काल दोनों शवों को मोर्चरी भिजवा दिया गया। जांच किया गया तो जांच में पाया गया कि गुड्डू के पैंट से एक सुसाइड नोट मिला जिसमें दोनों के बीच प्रेम संबंध की बात स्वीकार की गई और बदनामी के डर से आत्महत्या किया गया ये बात सुसाइड नोट में लिखी थी। जो घटनास्थल था उसके पास से एक सल्फास की शीशी भी मिली है और गुड्डू के मोबाइल को चेक किया गया, जांच की गई तो उसमें कल के यूट्यूब सर्च हिस्ट्री में ऐसा सर्च किया गया था कि सल्फास खाने से कितनी देर में मौत हो जाती है और गूगल क्रोम में भी सर्च किया गया था सल्फास टैबलेट्स और कितनी देर में मृत्यु होती है इसके बारे में। इसके बाद जो मृतक गुड्डू है इसने अपने भाई को सुबह 5:15 ऑडियो मैसेज भेजा था व्हाट्सएप पे जिसमें सुसाइड के बारे में कहा गया है कि वो ऐसा करने जा रहे हैं। इसके पश्चात घटना में प्रयुक्त जो पिस्टल है वो भी बरामद कर लिया गया है। अभी मैदानी कार्रवाई की जा रही है।